नमस्कार। आज हम सीखेंगे दृश धातु के रूप। दृश का अर्थ होता है देखना, लेकिन इस दृश के रूप दृश्यति दृश्यतः दृश्यन्ति नहीं चलेंगे, क्योंकि दृश एक परिवर्तनीय धातु है, अर्थात ये दृश पश्य में बदल जाएगा। तो रूप पश्य से बनाएंगे और सिंपल जैसे पठ के बनाते हैं, तीतांति लगाकर एकदम वर्तमान काल में लट लकार में वैसे ही बनेंगे। तो शुरू करते हैं पश्य। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हलंत हमें हटा देना है। जब हम इसमें ये तीतांति जोड़ते हैं तब हलंत का प्रयोग नहीं करना। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, बिल्कुल सिंपल पठ धातु की तरह ही रूप चलेंगे। मध्यम पुरुष पश्यसि पश्यतः पश्यथ, उत्तम पुरुष में पश्यामि पश्यावः पश्यामः। अर्थ क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष में सतौते, वह देखता है, वे दो देखते हैं, वे सब देखते हैं। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, तुम देखते हो, तुम दो देखते हो, तुम सब देखते हो। उत्तम पुरुष अहम आवांग वयम, मैं देखता हूं, हम दो देखते हैं, हम सब देखते हैं। अब सीखेंगे लंग लकार। आप जानते हैं लंग लकार में अ से शुरू करते हैं, तो जैसे अपठत बनता है यहां बनेगा अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। जैसा पहले भी बताया है, प्रथम पुरुष में तीनों हलंत करने हैं, उसने देखा, उन दो ने देखा, उन सब ने देखा। लंग लकार किस काम आता है? भूतकाल के, जो समय बीत गया है। मध्यम पुरुष अपश्य अपश्यतम, ऊपरताम नीचेतम अपश्यत। यहां तो बिना हलंत का, प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत और यहां बिना हलंत के। तुमने देखा, तुम दोनों ने देखा, तुम सब ने देखा। उत्तम पुरुष अपश्यम अपश्याव अपश्याम। याद करने का तरीका, प्रथम पुरुष तीनों हलंत, मध्यम पुरुष विसर्ग और हलंत, और उत्तम पुरुष एक हलंत बाकी दो खाली, तीन दो एक, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। लट लकार और लंग लकार के बाद अब सीखते हैं लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञार्थक, आज्ञा देना या लेना हो तब इस लकार का हम प्रयोग करते हैं। तो पश्य से क्या बन जाएगा? पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। अर्थ क्या होगा? वह देखे, वे दो देखें, वे सब देखें। पश्य पश्यतम पश्यत। तुम देखो, तुम दो देखो, तुम सब देखो। उत्तम पुरुष पश्यानि पश्याव पश्याम। मैं देखूं, हम दो देखें, हम सब देखें। अब है चौथा लकार विधि लिंग लकार। सजेशन चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। क्या करना चाहिए टाइप से, तो रूप चलेंगे, एक ही मात्रा लग जाती है इस पे, पश्येत पश्येताम पश्येयुः, बिल्कुल पठ की तरह ही। पश्येह
पश्येतम पश्येत तपुरा पश्येयम पश्येव पश्येम। अर्थ क्या होगा? उसे देखना चाहिए, उन दोनों को देखना चाहिए, उन सबको देखना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, तुम दो को देखना चाहिए, तुम सबको देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, हम दोनों को देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए। हमने चार लकार सीखे हैं जो चले हैं पश्य से, लेकिन अब नृत लकार पश्य से नहीं चलेगा, उसके रूप अलग होंगे, उसके रूप होगा द्रक्ष से। नृत लकार जो कि भविष्यत काल के काम आता है, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, उसके रूप होंगे द्रक्ष्यति। बच्चे ध्यान दें, प्रायः गलत करते हैं, इसको री बना देते हैं द्रक्ष्यति, यही ध्यान रखना है, हमें री नहीं करना, इसको र करना है। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, वह देखेगा, वे दो देखेंगे, वे सब देखेंगे। मध्यम पुरुष द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यत। अर्थ क्या होगा? तुम देखोगे, तुम दो देखोगे, तुम सब देखोगे। उत्तम पुरुष द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। मैं देखूंगा, हम दो देखेंगे, हम सब देखेंगे। इस तरह यदि छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखें तो संस्कृत याद करना और उसमें मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। धन्यवाद।